रिसेंटली मैं अभी अपने गांव गया था, तो वहां पर एक सामूहिक भोज था गांव के अंदर। तो वहां मटर पनीर की सब्जी बननी थी, तो टमाटर अचानक से 10 रुपये से 100 रुपये पहुंच गए। तो बिना टमाटर के बनाने की हमने सोची, और लेकिन टेस्ट भी एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि 1000-2000 का टमाटर से अच्छा है कि पनीर बढ़ा दिया जाए। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक ऐसी सब्जी जिसके अंदर टमाटर नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा इसमें टमाटर नहीं है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, मिलके बनाते हैं। सबसे पहले जो फ्रोज़न मटर हमने यहाँ पे लिया है 1 कप, इसमें डालेंगे उबलता हुआ पानी। किसी भी तरह की फ्रोज़न सब्जियाँ हों उसमें उबलता हुआ पानी डाल के रखें, कम से कम 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो फ्रोज़न स्मेल होती है वो निकल जाती है, इसका कलर निखर आता है। अब यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में प्याज को बांट रखा है। 2 प्याज मैंने अलग ही रख दिए, और 2 प्याज मैंने कैप्सिकम, ग्रीन चिली, ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और लगभग 20 से 25 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं। यहाँ पे समझिए ये टमाटर है। अब टमाटर जैसा टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पे हल्की सी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, जो कि एक बेस का काम करेगी। टमाटर का क्या काम होता है, टमाटर हल्की सी खटास देता है और ग्रेवी को एक बेस देता है। तो ये बेस देगा, खटास तो नहीं देगा, तो बेस के साथ में ये इसको एडजस्ट करेगा। तो चलिए प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले प्याज का वाइट पार्ट यहाँ पे निकाल देते हैं इस तरह से। इसको करेंगे हम स्लाइस, मोटी मोटी स्लाइस। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, वो भी आधी, पूरी नहीं ली है। इसके बीज और डंठल निकाल देते हैं, और इसको भी रफली काट देते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा रफली काटते हैं इसको भी। हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, अगर तीखी है तो इसके बीज आप निकाल सकते हैं। हरी मिर्च की खुशबू के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लहसुन को चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए एक साथ। ये हो गया एक पार्ट, बाकी के जो 2 प्याज थे इनको कर लेंगे हम चॉप। यहाँ पे लिए हमने एक पैन, और इस पैन में डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, और गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ खड़े मसाले। खड़े मसाले के नाम पे देखिए, 2 लौंग हैं, 1 हरी इलायची, 5-7 यहाँ पे काली मिर्च, 1 छोटा सा तेज़पत्ता, आधी यहाँ पे बड़ी इलायची, पूरी नहीं डालनी है, और एक बिल्कुल छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि दालचीनी बहुत बड़ी डाल देते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत हार्ड होता है और बहुत तेज़ होता है, पूरी सब्जी के टेस्ट को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे खड़े मसाले डालने हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले खड़े मसाले डालता हूँ। हल्का सा इसको यहाँ पे खुशबू आने तक तड़कने देते हैं। खुशबू आना बहुत ज़रूरी है इसकी। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ या खुशबू आपको आने लग गई, तभी हमको डालना होगा यहाँ पे ये मिक्सचर, जिसके अंदर शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, सभी चीज़ ऐड कर रखी है हमने, एक साथ डाल देंगे। अब चाहे तो आप गैस की फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना है हमको। सबसे पहले तो हम ये तेज़पत्ता निकाल लेंगे, इसको नहीं पीसना है। बाकी जो मसाले हैं उनको पीसने दीजिए, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत कम है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको ठंडा होने देंगे, और उसके बाद बढ़िया से एक पेस्ट तैयार करते हैं। इस मिक्सचर का एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं, गीला नहीं करना है इसको, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, 1 चम्मच या 2 चम्मच के आसपास, और यहाँ पर तैयार हो गया हमारा फाइन पेस्ट। लेकिन एक बात गौर करना कि प्याज और शिमला मिर्च की वजह से इसमें हल्का सा मीठापन आ जाएगा, तो इस मीठेपन को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ हमको डालना होगा। टमाटर तो हम डाल नहीं रहे, तो ऐसा क्या डालें कि जिसकी वजह से एक बैलेंस आ जाए। यहाँ पे लिया हमने 1/2 कप दही, और ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही अगर आप ज़्यादा मिलाते हैं तो ये टमाटर को रिप्लेस नहीं करेगा, ये अपना ही एक टेस्ट देगा, इसलिए हमने दही 1/2 कप ही लिया है। टैंगिनेस के लिए हम एक चीज़ और ऐड करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो इसको बीट कर लेते हैं इस तरह से, किसी तरह के ग्रेन्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर, बढ़िया स्मूथ होना चाहिए। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए यहाँ पे। 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 छोटी चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ज़्यादा डालेंगे बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी बनेगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मसाले के साथ में दही का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। 200 ग्राम पनीर है, इसको क्यूब में काट लेंगे यहाँ पे। एक पैन या फिर कढ़ाई के अंदर 3 बड़े चम्मच तेल ले रहे हैं हम। ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा डालेंगे, और जीरे को चटकने देंगे, और जब जीरा चटक जाए उसके बाद ही प्याज जलेगा। प्याज को फ्राई करना है यहाँ पे हाई फ्लेम पे। अब आपके मन में एक सवाल होगा, ये चॉप प्याज क्यों डाला आपने यहाँ पे? चॉप प्याज हमने इसलिए डाला जिसकी वजह से ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी, एक दरदरी ग्रेवी बनेगी। हमको स्मूथ ग्रेवी नहीं बनानी यहाँ पे, एक दरदरी ग्रेवी बनानी है, इसलिए हमने चॉप प्याज का इस्तेमाल किया है। दूसरा,
जब हम प्याज को ब्राउन करते हैं अच्छा वाला, उससे क्या होता है एक अलग टेस्ट डेवलप होता है। खड़े मसाले में हमने जो तेज पत्ता निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। बाकी खड़े मसाले तो हमने पीस दिए, वैसे क्वांटिटी ऑलरेडी कम थी। ओनियन में जो प्रॉपर ब्राउन कलर आता है ना, गोल्डन ब्राउन कलर, वो हमको चाहिए। और ये देखिए आ भी गया है, बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। फटाफट से गैस की फ्लेम को कम करते हैं और एक बढ़िया सी नागौरी कसूरी मेथी यहाँ पर डालते हैं, एक बड़ा चम्मच। कसूरी मेथी की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी डालते ही ओनियन ब्राउन होना बंद हो जाएगा। यहीं पे हमको ऐड करना है मटर। मटर का सारा पानी मैंने निकाल दिया है, अब मटर को हम भूनेंगे यहाँ पे। मटर सौते करते हुए लगभग यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक सफ़ेदी आपको दिखने लग जाएगी मटर के अंदर, मतलब कि मटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। यहाँ पे ये फ्रोज़न मटर है, फिर भी इनको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सौते करके। और यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है। और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिए या बिल्कुल कम कर लीजिए। और थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे और ऐड करेंगे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। टेम्परेचर डाउन करने के बाद में हम दही का मिक्सचर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। दही कर्डल ना हो तो फटाफट से इसको स्टर करते रहेंगे जब तक उबाल ना आ जाए, और गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे गैस की फ्लेम को बढ़ाना भी है। तो यहाँ पे देखिए रोगन पूरी तरह से आ चुका है बाहर, और जो कलर है इसका ये भी डार्क हो गया है। हमारे उस्ताद लोग कहा करते थे कि खाना बनाते टाइम किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी कर लो आप, कटिंग करने में या फिर और कुछ बनाने में, उबालने में, लेकिन मसाला पकाते टाइम जल्दीबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर आपने जल्दीबाजी करी तो सब्जी ही ख़राब हो जाएगी। ये जो ओनियन का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था ये भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसका काम है बेस देना। इस ओनियन के बेस को मसाले के साथ में मिक्स कर लेते हैं। भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये मसाला पका हुआ है। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एक बार, और एक बार सब चीज़ें मिक्स हो जाएं उसके बाद एक उबाल या गरम कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक उबाल आ चुका है, मतलब कि सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब बाकी चीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो जार के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके जो बचा हुआ है वो भी निकाल लेते हैं। नमक ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार, और पानी भी ऐड कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाइए एक बार। लगभग 1 कप के आसपास मैंने पानी ऐड कर दिया है यहाँ पे। और इस ग्रेवी को अब ढक के कम 10 मिनट पकाइए मीडियम हीट पे। तो यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए रोगन ऊपर की तरफ आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन सब्जी दिख रही है यहाँ पे। जो पनीर हमने काट के रखा था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। पनीर के साथ हम एक गलती करते हैं कि पनीर को बहुत ज़्यादा पका देते हैं। पनीर को आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी में पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, मतलब इसका जो जूस होता है अंदर का वो निकल जाएगा बाहर, तो ये चूई हो जाएंगे, रबड़ की तरह हो जाएंगे। तो पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। तो चलिए अब फिनिशिंग करते हैं इसकी। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला लास्ट में, बिल्कुल नाम का। कच्ची हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये गया धनिया श्रद्धा अनुसार। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं यहाँ पे। कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है इसमें टमाटर नहीं डाला हुआ है, और दही भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, जिसकी वजह से दही दही का टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं क्योंकि गर्म मसाला डाला है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। पनीर भी बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है यहाँ पे। खुशबू बहुत ही गजब की आ रही है। टेक्सचर देखिए आप सब्जी का, ना पानी की तरह है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अल्टीमेट। तो चलिए शानदार सी सब्जी को सर्व कर लेते हैं।